झारखंड मुख्यमंत्री पति पत्नी की पार्टी हो गई क्या? हमसे क्या पूछ रहे हो, तो दिखाई पड़ता है। नाचते हुए दिल्ली में देखे कि पति पत्नी नाच रहा था, नाचते हुए नामकू में देखे तो पति पत्नी नाच रहा था, और तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हमने तो दिल्ली में देखा कि वो पोस्टर भी लगा हुआ था, यहाँ तक कि शिवू सोरेन भी गायब थे। पंक्ति में जो जगह था वहाँ भी देखे, जो सीनियर लीडर मंत्री सरकार के, वो लोग भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ भी पति पत्नी दिख रहे। अब तो बचा क्या है? तो बता ही चुके मुझे बूढ़ा कर दिया। अरे उन्होंने तो यहीं पर टाटा में, आप सबको याद होगा, हम कहेंगे कि वीडियो निकाल लीजिएगा, निर्मल महतो की जहाँ शहादत दिवस मना रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कदवा में? उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिवू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास ले। अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया। तो संन्यास तो किस उम्र में लोग लेते हैं, तो उस उम्र तो होना ही चाहिए। अभी तो उन्होंने अभी निर्मल वहाँ पे फिर घोषणा किया कि 1 लाख उनकी सरकार बनेगी तो 1 लाख देंगे पर व्यक्ति को। 2019 में उनके घोषणा पत्र में है कि पर परिवार को 72,000 रुपया देंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने कहा था विवाहिता जो लड़की है, महिलाएं हैं, उसको सोने की सिक्का देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, उनके लिए चुनाव घोषणा पत्रों की है। उन्होंने और क्या कहा था उसके बाद? 10 लाख से अधिक लोगों के ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि सबको फ्री में राशन मिलेगा 5 किलो। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपया देंगे। कैबिनेट से निर्णय किया था गरीब बच्चों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे फ्री में। ऐसी अनेकों घोषणा हम लोग भी भूल जाते हैं कितना घोषणा किया है। बहाली में बहुत बच्चे मर गए हैं दौड़ने में, उसके लिए क्या कीजिएगा? आपकी सरकार है, कुछ मुआवजा दीजिएगा। हमने तो कहा ही है, इस समय तो पार्टी ने उन सारे जो लोग मृत्यु हुए हैं झारखंड में, हम लोगों ने कहा कि उनको 1-1 लाख रुपया पार्टी की ओर से हम लोग पहुँचा भी दिए। और हम सब लोगों ने सरकार से मांग की है कि 50 लाख रुपया उस परिवार को मुआवजा मिले और आश्रितों में से किसी एक को नौकरी मिले। ये पूरा करेंगे अच्छी बात है, नहीं पूरा करेंगे तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हम लोग इस काम को पूरा वर्तमान में जो मैया योजना चल रही है उसमें क्या कुछ? अरे मैया योजना से लोग जान रहे, झारखंड की जनता, जब इतनी घोषणा पहले किया वो पूरा नहीं किया, और यही मैया योजना अगर इनको साल भर पहले से शुरू करते तो बड़ा विश्वास भी होता। लेकिन शुरू कब किया जब जानता है कि 2 महीना के बाद इनकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए आप नाच रहे हैं। तो बोले चलो भैया विधायक के समय भी लोग नाचते हैं। झामुओं के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी शुरू से पार्टी तोड़ने का काम करती है, अभी भी वही कर रही है, लेकिन इससे विधानसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग काय को पार्टी तोड़ेंगे?